ईद का चांद है। इसमें क्या है भाई? इसमें भी कुछ लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जितने मेरे लोग कैंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, कल मेरा एक लोग नहीं आया था, वो इस वजह से कि भाई मुझे आ गया था बुखार। मैं तकरीबन रात के 2:30 बजे थे कि मुझे सर्दी और ये जो ना चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी। और जो ना जब मैं सहरी कर रहा था ना, तब जो ना मुझसे सहरी भी नहीं हो रही थी, और लेकिन जो ना मैंने कहा कि हो जाएगा ठीक, गोलियाँ वोलियाँ खाई थी उस टाइम पर। लेकिन भाई उस टाइम से सोया, फिर जो ना मुझे जो ना पूरा दिन कोई होश नहीं था कि मैं क्या हूँ, कहाँ पर हूँ। बस यही लगा था कि इसी जगह मैं गिर रहा हूँ। वो शायद बुखार जो ना सर पे चढ़ गया था। तो पूरा दिन जो ना ऐसा बेहोश होकर पड़ रहा। फिर जो ना मगरिब को उठा था, दो खजूर खाई, फिर लेट गया। फिर 8-10 बजे मुझे थोड़ा सा होश आया, फिर जाके गोलियाँ वोलियाँ खाई, तो फिर जाके तबीयत ठीक हुई। और अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डियाँ मेरी ना सारी टूट गई हों। तो मतलब बहुत गंदा वाला बुखार आ गया था अपनी एकदम से, और इतना हैवी बुखार है। मुझे याद नहीं कि कभी कब है लास्ट टाइम मुझे इतना जालिम बुखार, जो इस बार है बहुत ही जालिम बुखार आया था। और अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से 100 में से लगता है 60% ठीक है। लेकिन अभी भी वो जो कल बुखार है ना, उसके वजह से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं वाकई में गिरता रहा हूँ ना, तो हड्डियों में दर्द और ये वो सब कुछ वैसा ही फील हो रहा है। तो बस अभी क्या करें। तो बस आज का भी लोग यहीं से शुरू करते हैं। आज इंशाल्लाह अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा शैतान। शैतान क्योंकि आज मैं जैसे उठा तो हम लोग हमने एक हफ्ता पहले मूवी देखी थी शैतान मूवी, हमारे दिमाग में ना वही बैठी हुई है। वो लड्डू खिलाता है एक, मतलब एक अननोन पर्सन होता है अजय देवगन के ना बेटी को लड्डू खिलाता है, उसके बाद भाई वो उसी की हो जाती है। वो बोलता है ये कर दे कर दे कर, 3 बार बोलता है तो वो वैसे करने लग जाती है। तो मतलब वो लड्डू के अंदर ना वो काला जादू मिला के दे देता है। तो वही चीज़ें घूमी थी। अभी हम लोग भी जैसा बाहर से कुछ देता तो पहले वही दिखता कि कुछ मिला हुआ तो नहीं है। अगर आप लोग वो मूवी देखोगे ना तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो मूवी है या रियलिटी है। सिर्फ एंड में थोड़ा लगता है कि हाँ भाई मूवी के ऊपर काम हो रहा है, कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ये है, नहीं तो पूरी फिल्म में ऐसा ही लगता है कि भाई वो जैसे रियलिटी में काम हो। लड्डू जो खिला देते ना, वो जैसा बोलते हैं वैसे ही करती रहती है। क्या हुआ? आपको बोले 20 रुपए। क्यों? सनी प्लस किस चीज के लिए? चलो सलाम करो। और आप कैसे हो? ठीक हो? पीछे क्या छुपाया हुआ? खुश तो है? दिखा दो, दिखा दो। मुंह नहीं दिया अभी तक। गाइस अभी मीर है, मीर सलाम करो। जी हाँ मीर, खाना खाया था आपने? हाँ। रोजा नहीं रखा? नहीं। क्यों नहीं रखा आपने? नहीं। हाँ नहीं। क्यों नहीं रखा? क्या पाँव पक गया? कैसे हो गया? बोले पाँव तो टूट गया पाँव। हाँ नूनो नूनो गिर गया। कैसे का चुपका का बैठ? मीर मीर दुआ कहाँ है? हाँ क्या है? अच्छा सही है भाई जी। चलो ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो बोलो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। चल ठीक है ओके जा। क्या बाहर है? चलते रुको, हम लोग पट्टी कान चलते हैं, फिर चलते हैं ठीक है। हाँ पट्टी 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 क्या बोला? पट्टी बोलो, पट्टी पोटी नहीं पट्टी पट्टी। हाँ पट्टी 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 जी। क्या हुआ? बाजी आप मेरी खबर है कि आपने खाना खा लिया? हाँ। तो कल से हमने खाना नहीं खाया, तो मेरे को कल से खाना मिला। मोई मोई। तो गए अभी हम लोग आ गए थे बैंक में, बैंक से पैसे निकलवाए हैं, और जो ना अभी हम लोग जा रहे हैं आगे हमजा की पट्टी कराने। फिर हमें फ्रूट भी लेने हैं, और दादा के लिए बोले थे कि क्या लेके आना? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी लेके आना, फाजा के लिए स्ट्रॉबेरी भी लेनी है। और भाई अभी हम लोग आ गए हैं सदीक जर्रा के पास, जिसको मैंने पहले दिन बोला था सदीक सदका जारिया बोल दिया था, लेकिन ये सदीक जर्रा है। और साथ में मिम्मी है, तो मीर जो ना इन मिम्मी वालों को देख के बहुत खुश होता है डेली। मीर ये क्या है? ये क्या है? मिम्मी है। हाँ मिम्मी है। दुम्बा नहीं है, दूसरा वाला है। दुम्बे की चक्की होती है, ये क्या चीज़ है?
ये मिम्मी है, मम्मा है। अरे ये क्या कैटो बैठी हुई है, ये भी पट्टी करने हुए। सो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी, यहाँ से हमने लिए दद्दा के लिए। दद्दा क्या वैसे सभी खा लेंगे, तो 200 रुपए की यहाँ से लिए आधा किलो। मीर मीर स्ट्रॉबेरी खाओगे? हाँ मीर भी खाएगा, रैबिट है हमारा। और गैस जो बच्चे फ्रूट थे वो बाकी सब हमने अपने मोहल्ले से ही ले लिए, चीकू अमरूद। बाकी सिर्फ बाकी एक चीज़ रह गई हमारी वाटर में। हाँ ये रहे मीर, ये देखो ये रहे यहाँ पर है सारे। बाकी अच्छा दे रहे अंकल रुको, तो बाकी सारे अब यहाँ से लेते हैं और फिर चलते हैं घर। सो गैस हम लोग स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे बड़े खरगोश के लिए, क्योंकि ये इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फाजिया अभी कैसी है तबीयत, कुछ बेहतर हुई है? हाँ अभी स्ट्रॉबेरी खाएगी ना, ख़त्म हो गया ना, अभी नहा धो के फ्रेश भी हो गया दादा। देखो ये भी कमज़ोर हो गई है। हाँ क्या आप नहाए हो? हाँ मैं भी नहाया हूँ, शब नहाए हैं इसलिए तो तबीयत ठीक हुई है आज। मेरी आवाज बताओ क्यों नहीं निकाल ली? क्यों? मेरा गला हल्का से खराब है। दर्द हो रहा है ना गले में? मेरे तो गले में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। चलो अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। मेरा गला बस थोड़ा सा खराब है। अच्छा शिवियो जाना है? हाँ नहीं जाना, चलो शुक्र है। तो हर टाइम बोलते शिवियो जाना है भाई जाना है। चलो ठीक है अभी आप स्ट्रॉबेरी खाओ, बाद में भी देखते। दुआ कैसी हो भाई? हाँ ये क्या करे, जूस पी रही हो? रोजा नहीं रखा? रोजा नहीं रखती थी? छोड़ यार दुआ इतनी बढ़िया, जब तक आपने भी रखा। ये देखो गैस रोजे वालों के सामने, तो ये जब केला खाते हैं ना हमें बहुत गुस्सा आता है दादा, बहुत गुस्सा आता है मुझे। ले जा अपने केले वेले को यहाँ से। ठीक है हाँ नेट नहीं आ रहा होगा, जाओ ये ले जाओ, दूर करो मेरी नजरों से। सही है ना, गुनाह होगा तुम लोगों को। गैस इसके अंदर सीरी भी है, सीरी आपको पता है कैसी आती है? सीरी हाँ आगे सीरी यूट्यूब को ओपन करो। ये देखो गाइस, ओ देखा सीरी कितने काम करती है। अच्छा देखो अभी फिर से दबाते हैं, रुक रुको। सीरी आपका नाम क्या है? अच्छा एक मिनट रुको, ये इसको ना हमारी बात समझ नहीं आई ना, तो अभी जो ना हम लोग लगाते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं। सीरी बाबा व्हाट इज योर नेम? सीरी बाबा व्हाट इज योर एज? अवेज रे क्या क्या बोल दिया सीरी, तो बहुत तेज है यार, रुको रुको। सीरी हाउ मेनी योर सिस्टर ब्रदर? बोल रही है, रुको एक मिनट चुप कर, वो बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका जवाब कैसे दूं। अच्छा रुको, सीरी को आई लव यू बोलते हैं, तुम बोलना ठीक है? बोलो सीरी तुम बोलो, आप बोलो ठीक है? चलो लड़की को बोलेगी, चलो बोले सीरी आई लव यू, चलो रुको रुको, चलो 1 2 3 गो। सीरी आई लव यू। बोले तुम बहुत अच्छी हो। सीरी आई लव यू टू। अबे यार मुझे कुछ बदतमीजी लग रही है, चलो छोड़ बस बहुत है इसके लिए। आपको तो अच्छा जवाब देती है, मुझे क्यों नहीं देती अच्छा जवाब? ये कल को अच्छा जवाब देगी। सही है। मीर आप सीरी से बात करो, इधर आओ। सीरी बोलो ऐ बीजी बाजो। अरे यार गाइस आज मुझसे मेरा इतना सुबह से हमजा सर खा गया। हमजा क्या मसला है, क्यों खुश हो इतना? बच्चा आ गया? बच्चा नहीं है गाइस, आज सुबह से मैंने भी टिकटॉक पे बहुत सारा देखा कि सिद्धू मूसा का छोटा भाई आ गया, तो एक तो ये भी खुश हो। तो भाई उस अरे उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका भाई हुआ है भाई, इसे कुछ पता फिर पता ही नहीं, तो पहले कुछ इसको कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही कब से अब तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया है, ऐसे ही सर खा गया था आपके साथ हो गया, कब से सर खा गया था। चल हमजा को मोए मोए करके दिखा, आंखों पे हाथ रखो फिर करो, चलो हाँ मोए मोए। अच्छा आज मेरे पास एक कमेंट भी आया हुआ था, क्या नाम था मेरा, संधुआ ऐसे किसी नाम से आया था, कि कांग्रेचुलेशन हमजा सिद्धू मूसे वाले का जो ना
सिद्धू मूसे वाले को वापसी कर देगा। जब मैंने टिकटॉक पे देखा था वैसे मुझे नहीं पता चला था, तो उससे पता चला है कि भाई उसका जना क्या बोलते हैं सिद्धू मूसे वाले हमेशा से भाई पैदा हुआ है। तो ये वैसा हुआ जैसे मूवीज में होता था वैसे का वैसे सीन हो रहा है कोई। तो खैर जो हुआ है अच्छा है। बस तुम कहाँ आ रहे हो? किसने बुलाया? मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी ऊपर जाओ, जल्दी जाओ ऊपर। तो यार अभी मैं अपनी गाड़ी के पास हूँ, गाड़ी को करता हूँ साफ, क्योंकि दादा और फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आज बाहर चलते हैं। तो पहले मैं अपनी गाड़ी को साफ ही करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमजा देखें कैसे बन के आए। अबू भाभी और मीर भी छोटी सी टोपी पहन के आए हुए माशाल्लाह से। तो भाई बस अभी चलते हैं, गाड़ी साफ करते करते मेरे तो काम हो गया, देखो पसीना वसीना आ गया। खैर जो भी अच्छा है। और हाँ भाई चले, दिमाग में नहीं था कि आज तो संडे का दिन है, संडे वाले दिन तो यहाँ पर वैसे बहुत ज्यादा रश होगा। और यहाँ पर फादिया चट्टू बोलता है मुझे बाहर लेके चलो, अभी खुश हो उसको आ रहा था बाहर, बोलती है मुझे बाहर लेके चलो। ओए मीर मीर हम तो जाओ भाई को लेकर आओ। वो देखो गाइस छोटा सा टोपी पहन के, हमजा देखो हमजा इधर देखोगे बेटा? हाँ देख रहा है, शुक्र है। और इसको तो देखो गाइस। ओए मीर कहाँ है चांद? हाँ गाइस ये देखो सुबह सुबह चांद निकला हुआ है। दादा यार सुबह सुबह चांद निकला हुआ है, ईद का चांद है। बस भाई सही है भाई। और यहाँ पर आज गाइस कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है, देख रहे हैं। अगर ये संडे नहीं होता तो यहाँ पर एक आपने देखा था कोई भी नहीं था, अभी संडे है ना तो इस वजह से बहुत ज्यादा रश है। जी जब ईद नहीं आई तो ईद का चांद कहाँ से निकल गया? ईद भी आ जाएगी। हाँ रोजों का चांद है, ठीक है। और गाइस यहाँ से आपको समंदर बोल रहा हूँ, सॉरी सूरज जो ना बिल्कुल क्लियर दिखता है कि भाई सूरज अभी डूब रही है, देख रहे हो? और चांद भी। ये देख रहे हैं, मतलब हम लोग इसकी डिटेल में जाना चाहें तो हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। ओए होए क्या शूट किया, जो परिंदे निकले यहाँ से और ये बंदे निकले। ये देखे पीछे की तरफ समंदर है, ऊपर जो ना सूरज कुछ इस तरह से दिख रहा है। और गैस यहाँ पर ये देखे इतने सारे चील का जमा के, मैं कहते यहाँ पर लोग इफ्तारी करें तो कुछ लोग इनको फेंक रहे होंगे इसी वजह से ऐसा रहा होगा। मीर बहुत तंग कर रहा है गैस, मीर बहुत तंग कर रहे हैं। मीर क्यों इतना तंग कर रहे हो हमें? क्या अबू छोटे से बाल लेके छोटी सी टोपी पहन के घूम रहे है? ए दुआ दुआ ए दुआ क्या बोल रही है? चलो भी चलो अभी लगाओ, हमारा सामान भी लगाओ, बाकी 3-4 मिनट सारे रह गए। मीर यार आपने सबसे पहले खाना शुरू हो गए। हाँ अच्छा सॉरी भाई जी पानी चाहिए, पानी दो अभी। तो गाइस हम लोग अपने मेन्यू में क्या क्या लाए थे, इसमें क्या है भाई? वाह 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और इधर जना फ्राइज है, इधर राइस है और जना इसमें भी कुछ लग रहा है मुझे, इसमें फ्रूट चाट है गाइस हमारी, ये देखें। चले भाई चलो मीर आ जाओ, अभी रोज़ा खुलने वाला है, आ जाओ इफ्तारी का टाइम। अभी खुल तो नहीं गया है, एक मिनट चुप करो, अजान के बेखर हो रही है। हाँ अभी अजान आ रही है अभी, चलो खजूर दो मुझे भाई। सो गाइस अभी हम लोग अपनी गाड़ी में फिर से बैठ चुके हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि इसको पहले भी चक्कर आया था लेकिन ये नहीं कर पाई ना, अभी भी वैसा ही हुआ है। अभी मैं इसके शूज़ तो पहने लेकिन नहीं कर पाई, चक्कर आ गया था, कमजोरी वैसे जिद कर रही थी। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह से क्या कौन सा रोज़ा था आज? छठा था। इसको खुद अबे को याद नहीं है, रोज़ा पहला था, गिन लो। हाँ तो आज वाकई में 6 हो गए गाइस, 6 रोजे पूरे हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। और इस मंथ का वैसे पता भी चलता है कैसे आता है कैसे चला जाता है। तो खैर अभी चलते हैं घर की तरफ, बाकी रूटीनों का इंशाल्लाह शेयर करते हैं। गाइस मैं घर के पास आया हूँ और मुझे मिली है काओ अम्बा मीर। रे काओ बोलो अम्बा मीर। हमजा दूर जा मारेगी, हट जाओ अम्बा। चलिए जी तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आज की हमारी रूटीन थी आपके साथ में ही थी, और मीर क्या था, और कुछ था हमारे साथ?
और कुछ नहीं था बस। नहीं। हाँ था। क्या था? बस वो शैतान मूवी का शुरू में आपको बताता गाइस, आप एक बार जरूर देखिएगा मेरे कहने पर। शैतान वाकई में शैतान बहुत हरामी होता है, उसमें जो शैतान बना होता है ना बहुत तड़पाता है। एक लड्डू खिला के ना मतलब बंदे को अपने कब्ज में खा लेता है। उसके बाद से वो मूवी देखो फिर ऐसा दिल करता है कि बंदा मतलब बाहर भी किसी से कुछ लेकर खाए ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब दिल में वो आ जाते ना एक बात, वैसा ही होता है। मतलब दूसरी बार फिर देखिए बाबा, आज मैंने फिर से वो देखी। उस दिन मुझे नींद आ गई थी ना तो मैंने पूरी नहीं देखी थी। बाद में मैंने देखा उसकी माँ ने भी उसको, लड़की की माँ जिसको लड्डू खिलाता है ना जिस बच्ची को, तो उसकी माँ भी उसको बहुत धुलाई करती तो मतलब एक लड्डू खिला देता, उसके बाद में वो जो जो चीजें बोलते हैं ना लड़की वैसे ही करती है, उसको बोलते हैं मार डाल तो मार डाल, ऐसे ही करती रहती है। मतलब पूरे उसके कब्जे में आ जाती है। तो मतलब काला जादू का, वो काला जादू के ऊपर बनी हुई थी मूवी। तो खैर ये मूवी देखी तो हमारे दिमाग में ही बैठ गई थी। तो बस यही है, और आज की रूटीन जो थी यही थी। अभी मेरी तबीयत अलहमदुल्ला से काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब गोलियाँ खाता तो ठीक रहता हूँ, बस नहीं खाऊँ तो फिर वैसा फील होने शुरू हो जाता है। अभी गोलियाँ वोलियाँ खाई थी तो अभी जो है काफ़ी हद तक बेहतर है, पसीना आता है फिर ठीक हो जाता हूँ। तो इंशाल्लाह करेगा कल हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद कल जो आपके कल जो एक रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी समझ क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। चलो ठीक है भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। मीर बाय बाय कर दो, मोए मोए ऐसे नहीं करो, मोए मोए कर दो, चलो चलो ओके। और इन दी एंड मीर जो ना रूट गया था क्यों क्यों क्या हुआ, नीचे उतार दिया इसलिए। मीर द रोबो बॉय, मीर द